सलमान के पिता का बड़ा खुलासा, लीक पेपर की मदद से परीक्षा में पास हुए थे दबंग खान। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर छोटे पर्दे पर कमाल करते दिख रहे हैं। उनका मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा ने टीवी पर हफ्ते भर पहले दस्तक दे दी है। शो में सलमान खान अपने दोनों भाई और पिता के साथ शो में पहुंचे थे। इस दौरान सलमान खान को लेकर उनके पिता सलीम खान ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। कपिल के शो में दोनों भाई अरबाज सुहेल और पिता सलीम खान के साथ पहुंचे सलमान खान ने बहुत मस्ती की। शो में अब तक खान फैमिली को लेकर बड़े खुलासे हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर बड़ा चौंकाने वाला वाक्या शो के जरिए सामने आया है। बता दें कि सलीम खान ने शो में कपिल को बताया कि कैसे सलमान खान लीक पेपर की मदद से परीक्षा में पास हुआ करते थे। सलीम ने बताया, हमारे घर एक आदमी आया करता था, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को स्टूल दो बैठने के लिए। मैंने कहा, कौन है ये जिसे मेरे घर में मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है। मैंने मन में कहा, मुझे पता लगाना चाहिए कि आखिर कौन है ये शख्स। जब पता लगा तो ये बात सामने आई कि वह लीक पेपर लेकर घर आता था। फिर सलमान खान ने बताया कि गणेश हमेशा से उनके लिए पेपर लीक करता था। अगर सलमान खान के वक्ल फ्रंट की बात करें तो बता दें फिलहाल दबंग खान फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में पहले प्रियंका चोपड़ा को जगह दी गई थी, लेकिन शादी की वजह से देसी गर्ल ने फिल्म छोड़ दी। प्रियंका के बाद एक बार फिर सलमान की जोड़ी कटरीना कैफ के साथ फिट की गई है। आखिर में बता दें कि फिल्म में सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के अलावा आइटम नंबर दिलबर दिलबर की एक ट्रेस नोरा फतेही, दिशा पाटनी, तब्बू और मशहूर कॉमेडियन एक्टर सुनील ग्रोवर भी नजर आने वाले हैं। फिल्म कोरियन ड्रामा उडे टू माई फादर पर आधारित है। फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने जा रही है।